नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। क्रोध का मूल कारण कामना या इच्छा होती है। इच्छा पूरी न होने से दिल में दर्द पैदा होता है। दर्द से बुद्धि का नाश होता है और फिर पैदा होता है क्रोध, और क्रोध से इंसान अपने आप को विनाश की आग में झुलस देता है। कौन है, उसका चेहरा कैसा है, उसका डेन कहां है, कुछ नहीं मालूम। बड़े शर्म की बात है सर, इस लूट मार में वो एक चौकीदार के जख्मी बच्चे को ऑपरेशन के लिए अपने डेन ले गए हैं, और आप तो जानते हैं उसे बच्चों की सख्त कमजोरी है। यानी बच्चा सही सलामत डेन से वापस आ जाएगा? जरूर सर। और तब तक हम उस बच्चे का इंतजार करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, एक अनजाने चौकीदार के बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए आप अपनी जिंदगी को जोखिम में क्यों डाल देना चाहते हैं? आखिर क्यों? सब माल तो हम लूट चुके थे, फिर उस जख्मी बच्चे के पास वापस जाने की आपको क्या जरूरत थी? जरा सोचिए, एक दो मिनट की देरी होती तो आप और हम सब पुलिस की हिरासत में होते। पुलिस की हिरासत में विक्की का मुर्दा शरीर हो सकता है, जिंदा नहीं। मेरा मतलब है सर, आखिर आपको अचानक क्या हो जाता है? इतने खतरनाक काम के बीच ही कमजोरी? ठीक है वो बच्चा है, लेकिन ये सब क्यों? ये बच्चा आपका क्या लगता है? वो मैं हूँ, वो विक्की है। आपके लिए तो दुनिया का हर अनाथ और गरीब बच्चा विक्की है। यकीनन। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि हर अनाथ और गरीब बच्चा विक्की की तरह एक मुजरिम बनेगा? हर किस नहीं। तो क्या ताल्लुक है आपका? ताल्लुक विक्की की आत्मा से है। नीरा, नीरा, तू मेरी सेक्रेटरी ही नहीं, मेरी दोस्त भी हो। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी जरूर सुनाऊंगा जिसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं। इतनी बड़ी दुनिया में एक लावारिस बच्चा जिसका कोई नहीं, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं, अकेला, बिल्कुल अकेला, चारों तरफ से नफरत मिली उसे। अगर उसके पास कोई दौलत थी तो सिर्फ उसके ख्वाब, उसका इरादा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, सबसे बड़ा। बड़ा बनूंगा तो सब प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे, लेकिन बड़ा आदमी बनूंगा कैसे? सब बच्चे तो शाखा बाबा के स्कूल जाते हैं, मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं। मवाली की जिंदगी गुजार कर तो मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता था। शाकर बाबा से कहने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां एक लड़की आरती मेरी इच्छाओं को भांप रही थी। गरीब अनाथ बच्चों के जख्म अंदर होते हैं, बाहर नहीं। एक दिन आरती मुझसे मिलने आई, उसने मुझे अपनी किताब दी। इतने में गंदी नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी से बात करने की, कमीने रामजादे? नहीं मेहरबान, बच्चों पर हाथ नहीं उठाया करते। न जाने इनमें कौन सा फरिश्ता छुपा हो,
और कौन जाने यही बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाए। अजय छोड़िए, सड़क की धूल कभी आकाश को छू सकती है? उसी दिन शाकर बाबू ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, मुझे अपने मदरसे ले गए। वो नेक मुसलमान मेरे लिए फरिश्ता था, मुझे जीने का मकसद समझ आने लगा। मैंने पूछा, शाकर बाबा मैं दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? जब खूब लिखोगे, खूब पढ़ोगे, तब बड़े आदमी बन जाओगे। बस यही बात मेरे दिल में घर कर गई। अब मैं गंदी नाली का कीड़ा नहीं कहलाऊंगा, मैं सड़क की धूल नहीं आकाश का सूरज बनूंगा। शाकर बाबा का आशीर्वाद और आरती का प्यार मेरा आत्मविश्वास बन गया। दिन रात महीने बरस बीतते चले गए, दुनिया की हर किताब पढ़ डाली मैंने। अमेरिका में रहकर किताब के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा था। उधर हिंदुस्तान में आरती अपनी लालची और सौतेले मामा के जुल्म सहती रही, अपनी तकदीर से लड़ती रही, लेकिन मुझे उसने कभी कुछ ना लिखा। बस लिखती एक ही बात कि तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी बनना, तुम हिंदुस्तान आ जाओ, फिर देखो एक घर बनाएंगे, अपना घर, तुम अकेलापन महसूस नहीं करोगे। हिंदुस्तान पहुंचते ही गरीबी और बेकारी की गर्द ने पकड़ लिया मुझे। सिवाय ढेर सारी डिग्रियों के कुछ नहीं था मेरे पास। सारा शहर रिश्वत और सिफारिश की ईंटों पर खड़ा था, मनपसंद नौकरी नामुमकिन थी। उधर आरती की सौतेले मामा आरती को पैसे वालों के हाथ बेच देना चाहते थे। और एक दिन इधर मैंने एक छोटा सा घर ले लिया था, एक छोटी सी नौकरी कबूल कर ली थी, पर ये खबर मैं आरती को अचानक देना चाहता था। बाबूजी वो, अरे मंगू आरती आ गई। आरती दीदी नीचे। तुम यहीं ठहरो। आरती, आरती ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? तुम्हें देखना था। आओ बेटा। मैंने कुछ नहीं किया बेटे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया कुछ भी। होश में आइए, शांत हो जाइए। होल्ड योरसेल्फ प्लीज। ये हॉस्पिटल है, उस बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, प्लीज। बच्चा ऑपरेशन? आई एम सॉरी नीरा, बच्चे का ऑपरेशन हो गया। हो रहा है सर। किसने उसे जख्मी किया था? डाकू मंगल सिंह ने, जो हमारे इस ऑपरेशन में हमारा भागीदार था। उसने अपने त्रिशूल से बच्चे पर वार कर दिया। क्यों? क्योंकि चौकीदार का बच्चा लूट के बच्चे ला रहा। अगर बच्चा मर गया तो? जी हाँ, वो मर गया सर।
त्रिशूल के वार ने उसकी अंतड़ियों को खत्म कर दिया। हम कुछ नहीं कर सके सर, सॉरी सर। मंगल सिंह, तुमने बच्चे की हत्या की है। आओ आओ विकी सेठ। भाई ने मैसेज भेजा है कि मुझे 56 लाख की रकम डॉलर में चाहिए। वन एंड के कोलाबा वाले फ्लैट में 50 लाख डॉलर का बंदोबस्त कर दिया। सर, जीवन नुरानी के हांगकांग से भेजे हुए बहुत से डॉलर जाली निकले, लेकिन उसने उन्हें बदलने का वादा किया है। सर, शाहीपुर के म्यूजियम में रखे हीरा की कीमत हमारी डिपार्टमेंट ने कुल 51 लाख निकाली। सर, ऑपरेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये काम सिर्फ दिवाली की रात को हो सकता है। सर, कल होटल सेफ्रॉन में बॉम्बे के सभी वीआईपीज की बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। वहां लंदन का सबसे बड़ा स्मगलर लकी भी आने वाला है। वो किसी बिजनेस के सिलसिले में आपसे मुलाकात करेगा। हमारी सिक्योरिटी के सभी आदमी पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद होंगे। सिक्योरिटी के मुताबिक नीरा आपके साथ ही रहेगी। सर, हो सकता है पुलिस कमिश्नर यादव भी वहां पहुंचे। पुलिस को कैसे पता चला हमारा नाम विक्की है? सर, टोनी सोनावाला जो आपका दोस्त और बचपन का साथी होने का दावा करता है, उसने ही ये खबर पुलिस को दी है। विकी की केस हिस्ट्री। सरकार ने इस केस की जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंपी है। थैंक यू सर, मुझे इसी का इंतजार था। कुमार, कश्यप सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सब का एक अजीज ऑफिसर था। विकी को एक सिपाही की हैसियत से गिरफ्तार करना तुम्हारा फर्ज है। इसमें किसी किस्म की पर्सनल बदले की ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू सर, एक ना एक दिन उस मुजरिम को आपके सामने जरूर लाऊंगा। पिछले सीआईडी इंस्पेक्टर की जगह कुमार सानी, जो अभी भी पुणे से ट्रांसफर होकर बंबई आया है। इसकी हिस्ट्री? उम्र 26 साल, गांव का नाम लखीमपुर, परिवार में एक बहन और बूढ़े माँ बाप। जी हाँ, लेकिन हमारे आदमियों पर अभी तक उसकी निगाह नहीं पड़ी। सर, एक बहुत बुरी खबर है। संबंध से जो हमारा जहाज 2 करोड़ का सोना लेकर आ रहा था, उड़ा दिया गया। उड़ा दिया गया? किसने? सर, माधवन ने। माधवन? कौन है ये माधवन? दमन का एक नया स्मगलर जो बॉस के मुकाबले में आना चाहता है।
इस माधवन से आप एक बार मिल चुके हैं सर, लास्ट क्रिसमस पार्टी में। कैसा है उसका चेहरा? मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। एक मिनट सर। सर, पिछले 3 महीने से आदमी हमसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहा है और अब तक जिंदा है, लेकिन उसे इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं किया जा सकता। काफी खतरनाक आदमी और काफी फोर्सेस भी हैं उसके साथ। दिलावर। यस सर। उसे खत्म करने के लिए कितना वक्त चाहिए? 24 आवर्स, 48 सर, 3 डेज, 1 वीक, हाउ मेनी डेज? सर मेरा ख्याल है कि ये लोग ठीक कहते हैं, इसके लिए कोई प्लानिंग की जाए तो बेहतर है। बेंजामिन, अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो। सर आप खुद? मुझे डरपोक ऑफिसर और खतरनाक दुश्मन पसंद नहीं। सर, ये रहा माधवन का चेहरा। मेरा ख्याल है एक बार उसे वार्निंग दी जाए तो अच्छा रहेगा। माधवन, मुझे कॉम्पिटिशन से सख्त नफरत है। माधवन। यस स्वीटहार्ट। तुम्हारे लिए फोन है। किसका है? विक्की का। लगता है उसे सब मालूम हो गया है। Rainbow, will you shut up? Are you shut up? Just a minute, please. Hold on. नहीं, कोई खास बात नहीं। वो मेरे कुछ कुत्ते शोर मचा रहे थे, चुप हो गए। हाँ कहिए। मिस्टर विक्की, ये टेलीफोन पर धमकियां माधवन को सुबह शाम मिलती हैं, लेकिन कोई मर्द का बच्चा सामने नहीं आता। ये मेरी बदकिस्मती है। ओके ओके, लेट मी एंजॉय। साहब, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। काश आपकी उम्र भी बहुत लंबी होती माधवन साहब। मैं जानता हूं इस महफिल में ज्यादातर तुम्हारे आदमी हैं। इनसे कह दो कोई होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इनकी औरतें हमारी गोलियों का निशाना बन जाएं। आज फैसला सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच होगा। ये भी कोई फैसला हुआ कि आपके हाथ में पिस्तौल और मैं निहत्था? नहीं, विक्की कभी किसी पर बुजदिल की तरह वार नहीं करता। उठाओ, उठाओ रिवॉल्वर। अगर विक्की बनने का शौक है तो उस रिवॉल्वर की गोली मेरे सीने के पार कर दो। मुकाबला बराबर का होना चाहिए। आज हम दोनों में से एक को जीने का हक होगा माधवन साहब। अब से ठीक 15 सेकंड बाद हम दोनों अपने रिवॉल्वर उठाएंगे और मर्द का बच्चा कौन है इसका फैसला हमारी गोलियां करेंगे। डील? आई लाइक इट। नो, डोंट वरी लव, जीना इसी को कहते हैं। यस विकी,
बेस्ट ऑफ लक माधवन। सब लोग खामोश खड़े रहो, उठाओ इसे, ले चलो। चलो ऑपरेशन कामयाबी की खुशी में हमारे सब लोग सेशन हॉल में जश्न मना रहे हैं। उनकी रिक्वेस्ट है कि आप भी चंद लम्हों के लिए उनके साथ शरीक हो जाएं। आई एम सॉरी बेंजामिन, उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दो। तुम तो जानते हो मुझे तन्हाई पसंद है। प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके सर। मिस्टर दिलावर, आप हमारे डेन के एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं। जी। फिर तो आप हमारे डेन के उसूलों से भी वाकिफ होंगे। जी हाँ। क्या उसूल है हमारे? सर, शराब, सिगरेट और लड़की। फिर भी आपने सर, आई एम सॉरी सर, सॉरी शब्द से हमें सख्त नफरत है, यह आप जानते हैं। सुना है बगावत करने वाला सिपाही राजा की जान का दुश्मन हो जाता है। आज देखना यह है कि हमारा वफादार ऑफिसर क्या रंग दिखाता है। हम पर गोली नहीं चलाओगे मिस्टर दिलावर? इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ होने के नाते मैं आपको हुक्म देता हूं कि एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने के जुर्म में आप अपने आप को सजाए मौत देंगे। नो, आई हियरबाय ऑर्डर यू टू शूट योरसेल्फ। नो, तुम अपने आप को गोली मारोगे। शूट योरसेल्फ, शूट, शूट, आई से शूट योरसेल्फ। मिस्टर बेंचमैन, दिलावर के घर वालों को दिलावर की लाश और 2,00,000 रुपए पहुंचा दिए जाएं। दीदी, एक बात पूछूं? कभी कभी तुम्हारे कहने से लगता है कि तुम्हारा मालिक तुमसे प्यार करता है? नहीं, प्यार शब्द उसकी किताब में ही नहीं, वो इसमें विश्वास नहीं करता। तो शायद तुम उसे प्यार करने लगी हो? ऐसा कुछ नहीं पगली, वो मेरा बॉस है, मेरा गुरु है, मैं उस आदमी की इज्जत करती हूँ। अरे कोई है इस वीरान घर में? अरे कोई है? डब्बू, क्या हुआ डब्बू को? क्या हुआ डब्बू को? चोट लगी है, चोट।
मैं पूछता हूं, अगर आप संभाल नहीं सकती तो पैदा क्यों करती हैं इन्हें सड़क पर छोड़ने के लिए, ताकि कोई मोटर गाड़ी आए और बाल बाल बचा बेचारा एक्सीडेंट से। क्या हुआ? जरा सी चोट आई है। माफ कीजिए, ये सब आपके बच्चे? जी नहीं, ये सब मेरे भाई बहन हैं। तो इनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। रहे भी कैसे सकते हैं जी? नहीं, मेरा मतलब है कि इस जमाने में आप इसे संभालिए, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। सुनिए। जी फरमाइए। थैंक यू। डोंट मेंशन इट। आप? मेरा नाम कुमार सानी है, एक महीने से सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, लेकिन क्योंकि बंबई नगरी में पड़ोसी पड़ोसी को पहचानता नहीं है, इसलिए मैंने इस बात का बुरा नहीं माना। और कुछ? और कौन कौन रहते हैं आपके साथ? एक माँ है, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, इसलिए कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं चलता हूँ, बाय बाय। कितना शरीफ लड़का है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं इसे जानती हूँ, सारी कॉलोनी में सबसे हैंडसम है और आज तक मुझ पर नजर नहीं। बहुत शरीफ लड़की है बेचारी। तुझे कैसे मालूम? देखो ना माँ, सारी कॉलोनी में सबसे सुंदर और आज तक किसी पे नजर नहीं। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तेरी यहाँ किसी से जान पहचान तो होगी। 5 दिन हो गए आए हुए, एक से भी मुलाकात नहीं हुई। माँ, सीआईडी वालों को ज्यादा जान पहचान किसी से भी नहीं करनी चाहिए और अपने बारे में बताना भी नहीं चाहिए। तेरी इस जगह से तो हमारा गाँव अच्छा है, और तूने घर भी ऐसी जगह ले ली है, न बाजार है न कोई चीज मिलती है। देखना, अब चाय बनानी है तो चीनी नहीं। चीनी नहीं? अभी ले आते हैं। कहाँ से? पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। वो क्रिकेट टीम कब काम आएगी? हाँ माँ, मतलब ये कि मैं अभी गया और जाता ही कहूंगा। क्या? एक कप चीनी उधार चाहिए। जरूर। बॉबी, जरा एक कप चीनी भेजना। बैठे ना। आप कुछ पियेंगे? ठंडा गरम? नहीं, पी क्या, फिर कभी आऊंगा पीने के लिए। जी कुछ नहीं। हाँ जी कुछ नहीं। आप? मेरा नाम कुमार सानी है, एमए पास हूँ, 1000 रुपए तनख्वाह है, और भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, घर बार ये वगैरह, मोटर गाड़ी सब कुछ मिल जाता है। माँ बहुत दिनों से कह रही थी शादी के लिए, लेकिन मैंने माँ से कह दिया कि भाई शादी में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। थैंक यू, ये जल्द लौटा दूंगा। कब तक लौटा देंगे आप? बॉबी, आई एम सॉरी, इसे इसे मजाक करने की आदत। नहीं कोई बात नहीं, उधार उधार होता है, मैं शाम तक वापस लौटा दूंगा। चलता हूँ। जी आप ऑफिस से कितने बजे वापस आ जाती हैं? 6:30 बजे। कमाल है, फिर 6 बजे वापस आ जाता हूँ। मैं चलूँ? जी। अच्छा चलता हूँ, चलता हूँ, चलूँ। ये कुछ पागल लगता है। बहुत शरीफ लगता है। हाँ? बेटे, इतना परेशान क्यों हो रहा है? एक कप चीनी की बात है, मैं दे आऊंगी। नहीं नहीं माँ, क्या बात कर रही हो? देखो डॉक्टर ने तुमसे कहा है ना कि सीढ़ी वीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए। आप तकलीफ मत करो, मैं जाता हूँ, इसमें क्या तकलीफ की बात है? अच्छा जल्दी आना, मैं चाय बनाती हूँ। और सुन, बहन जी से कहना कभी कभी मुझे भी आकर मिले। बहन जी? नहीं माँ, वो बहन जी नहीं है, वो तो मुझसे छोटी है, वो तो वो है। वो है? हाँ हाँ, वो नहीं जो तुम समझती हो। तो फिर क्या है? वो है। इसकी क्या जरूरत थी? किसी की तो जरूरत थी, आपकी चीनी बहुत मीठी थी। तो क्या आपने कड़वी चीनी वापस की है? वेरी नोटी। बैठिए बैठिए, कहना तो मुझे चाहिए। आपको और तो कुछ नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, घर में सब कुछ है। दीदी, आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं ना? हाँ? क्यों ना हम इनसे कुछ क्रॉकरी मांग ले। ओ, बॉबी। हाँ? क्यों नहीं,
पड़ोसी पड़ोसी के काम काम आता है। बिल्कुल, चलिए मैं आपके साथ घर चलती हूँ। चलिए चलिए, आप भी चलिए ना। जी मैं देखिए ना, माँ जी भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। चलो ना दीदी, बैड मूड में है। चलो, क्या बोलती रहती है तू। अरे चलो ना। ये आदमी कौन है भाई? जिसने हमारे डब्बे को एक्सीडेंट से बचाया था। ये दीदी को पटा रहा है। ये एक्सीडेंट क्या होता है बताऊं? पागल लड़की, कहा था ना इतनी सारी पेटी एक साथ मत उठाया करो। डांटो नहीं बेटी, अब जो हो गया सो हो गया। माँ जी ये बहुत बदतमीज हो गई है, किसी के घर में ये पता नहीं। अगर ये तुम्हारा घर होता क्या तुम डांटती इसे? हाँ, क्या तुम डांटती इसे? लेकिन माँ जी ये बेटी, सांच का टूटना शुभ होता है। हाँ, शुभ होता है। और तुम ही तो इसके माँ बाप हो। माँ बाप हो? चुप रहे बेटी, यह मुझे बहुत सुना सुना सा लगता है। कभी कभी आ जाया करो बेटी। आ जाया करना बेटी। आज कुछ खास ही बचपना चढ़ा इस पर। माँ जी आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ, मेहमान आते ही होंगे। आज मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूं, कितना बड़ा। शाकर बाबा आप मुझ पे हंसे? शाकर बाबा आज आपका विक की दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया है, सबसे बड़ा। शोहरत, ताकत, दौलत, हर चीज है विक्की के पास। हर आदमी विक्की का गुलाम है। Vicky is the uncrowned king of India. The king! इस फकीर को क्या धोखा दोगे बेटा? कानून तुम्हें मुजरिम करार देता है, लोग तुम्हें जलाली क्रोधी कहते हैं और तुम अपने को सुखी कहते हो। लेकिन मैं जानता हूं मेरा अजीज विकी कितना दुखी है, कितना तना। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इट्स ऑल लाइज। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा नहीं हूं। क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ है मेरे पास। दुनिया का हर ऐशो आराम, हर सुख, हर चीज इस कमरे में मेरे पास मौजूद है। ये देखिए शाकर बाबा, ये देखिए, ये देखिए शाकर बाबा। देखिए धन दौलत, देखिए शाकर बाबा हीरे जवाहरात। हाँ शाकर बाबा, मैं तन्हा हूं, बिल्कुल तन्हा। अकेला हूं, तन्हा हूं, परेशान हूं, बेचैन हूं। किस लिए? आप जानती हैं। अच्छा, मेरी बहन मुन्नी की शादी का कार्ड मिला? बिल्कुल मिला, मुन्नी का भी मिला, मुन्ने का भी मिला। मतलब? मतलब ये कि आपकी बहन की शादी जहाँ हो रही है ना, वो हमारा खास में खास दोस्त है संदीप बिंद्रा। अच्छा। हाँ, दोनों पार्टी घर की हैं। तो आप आ रहे हैं ना? अरे बिल्कुल आ रहा हूँ, लड़का बनकर आ रहा हूँ। मेरा मतलब है कि लड़के वाला बनकर आ रहा हूँ। आप बड़े वो हैं। सच सच। लड़की वालों, बोल लड़की वालों, लड़की वालों, बोल लड़की वालों। लड़की तुम्हारी कवारी रह जाती, लड़की तुम्हारी कवारी रह जाती। जी मानो हमारा एहसान के लड़के ने, के लड़के ने हाँ कर दी। मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी।
भाई की सहेलियों हम जो जिद पर आएंगे लड़की लेने आए हैं तुमको भी ले जाएंगे तुमको भी ले जाएंगे तुमको भी ले जाएंगे सारी तैयारी रह जाती सारी की सारी तैयारी रह जाती जी मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी ब्यूटीफुल फैंटास्टिक पूजा की जी प्रसाद लाएं जी हाँ भगवान से कुछ मांगा भाई हमने तो मांग लिया क्या अरे भगवान तो आशिक की शक्ल देखते ही पहचान लेते हैं कि आशिक को क्या चाहिए लेकिन हमारी माशूक ने नहीं मांगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मुझे नहीं मिल सकता क्यों कुमार तुम नहीं जानते कि मैं कौन हो तुम मेरी होने वाली पत्नी हो नहीं हाँ ये देखो आज भगवान के साक्षी जानकर ये मंगलसूत्र लाया हूं सब्र का माता का मैं इसलिए शादी का इरादा है आज ही अभी मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूं कुछ भी हो फिर भी मेरी हो मैं एक स्मगलर हूं कोई मजबूरी होगी मैं विकी जैसे स्मगलर के साथ काम करती हूं करती थी शादी के बाद तो नहीं करूंगी कुमार बस इतनी सी परेशानी अरे प्यार करने वालों को तो क्या क्या सहना पड़ता है और फिर ये तो एक मजबूर लड़की की कहानी है पर ये सच है कुमार विक्की ने आज तक मुझसे जरा भी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की विक्की विक्रमजीत सिंह भाई मैं तो उसका बड़ा फैन हूं दुनिया भले ही उसे स्मगलर कहे खूनी कहे लेकिन मैं उसकी इंसानियत के बारे में ठीक से जानता हूं अखबारों में पढ़ा है एक अजीब सी पर्सनैलिटी है सुना है वो तनाव पसंद करता है सिगरेट शराब तक नहीं छूता और बच्चों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है भाई मेरे हिसाब से तो वो आज का रॉबिन हुड है साधु रॉबिन हुड
हाँ ये सच है, he is a great man. बस अब मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है, एक ही तमन्ना है कि एक बार उससे मिल लूं। नहीं तुम उससे मत मिलना। लो तुम उसके राज मुझे बता सकती हो, मैं उसके राज कबूल कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपने होने वाले पति को उससे एक बार भी नहीं मिला सकती। लेकिन कहीं उसे मालूम हो गया मैं कि... तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम्हारा प्रेमी हूँ, भाई कैसे मालूम हो जाएगा? हम भेस बदल के जाएंगे, संभल के बात करेंगे। तुम कहते ना कि मैं तुम्हारा दूर का मामा हूँ, लंदन से आया हूँ, और मैं कहूंगा भाई कुछ भी हो सकता है, इस बंबई नगरी में कुछ भी हो सकता है, अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, साधु से डाकू, डाकू से साधु, गर्म से सर्द, सर्द से गर्म, बॉम्बे ग्रेट, रियली ग्रेट, और उससे भी ग्रेट है आप। मजा आ गया आपसे मिलके, मजा आ गया। बस यूं समझ लीजिए कि मेरा लंदन से यहाँ आना कामयाब हो गया। मजा नवाजी है आपकी। मैं तो यूं कहूंगा कि ये नीरा की मेहरबानी है जो आप जैसी हस्ती से मिलने का मौका मिला। नीरा भी तो एक हीरा है, और इसे परख सकते हैं सिर्फ आप, द ग्रेट डायमंड मर्चेंट। अगर असल और नकल हीरे की पहचान ना हो तो इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, नजर है साहब, ये नजर की परवी तो है। प्लीज चलिए ना अंकल। शर्माती? नहीं घबराती है। किससे? मुझसे। क्यों? मुझे हुआ समझती है। लेकिन सच पूछिए तो नीरा की चिट्ठियों से मैंने भी आपके बारे में कुछ ऐसा ही इमेज बना लिया था। लगता था कि नीरा की कंपनी का मालिक कोई बहुत ही रोबीला, बहुत ही सॉफ्ट, क्रोधी टाइप का गुस्से वाला आदमी होगा, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने महात्मा बनने के लिए जन्म लिया था और बन गए डायमंड मर्चेंट। प्लीज चलिए ना अंकल, बहुत देर हो रही है। ओ हाँ देर तो हो रही है, चलिए अच्छे इंतजार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे लंदन से अंकल आए हैं, घुमाने तो ले ही जाएंगे। चलिए चलिए आपको नीचे छोड़ दूंगा। ओह हाउ नाइस ऑफ यू, आइए आइए, क्या बात है। क्या हुआ इस लिफ्ट को? नंबर 13 मनहूस होता है सबके लिए। ओ, ओ, लगता है लिफ्ट खराब हो गई है, मैं भी फोन किए देता हूं। आपकी रिवॉल्वर मेरे पास है इंस्पेक्टर। प्लीज। कितने साल हो गए ये बचकाना मेकअप करते हुए, घबराइए नहीं, आप नीरा की जान हैं और हमारे मेहमान। मेहमान पर गोली चलाना विक्की की शान के शाया नहीं। अगर विक्की ऐसा करेगा भी तो कौन सा नया काम करेगा? लेकिन विक्की आज एक काम जरूर करेगा। बड़े बेचैन थे आप विक्की का चेहरा देखने के लिए। देखिए कितना बदसूरत है ये चेहरा, लेकिन उतना ही भयानक है विक्की का फैसला। मुजरिम का फैसला सरकार तय करती है मिस्टर विक्की, और दुनिया में ऐसा मुजरिम कोई पैदा नहीं हुआ है जिसका अंत कानून ने ना लिखा हो। बेहतर यही है कि आप विक्की को गिरफ्तार करने का ये ख्याल छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि शरीर रहता है तो ही ख्याल रहता है। बहादुर आदमी मौत की धमकी नहीं दिया करते मिस्टर विक्की। हम पुलिस वाले जिस दिन ये वर्दी पहन लेते हैं ना, उसी दिन से पुलिस वालों और मौत का रिश्ता कुछ आसपास का ही हो जाता है। एक बहादुर आशिक की इस चुनौती पर हम खुश हुए, और विक्की को गिरफ्तार करने का खूबसूरत ख्वाब पूरा करने के लिए हम तुम्हें एक बार फिर जिंदा रहने की इजाजत देते हैं। लेकिन याद रहे, नेक्स्ट टाइम या तुम रहोगे या हम। गेट आउट, गेट आउट। चलो अंदर।
मौत तुम्हारी सजा नहीं, हम तुम्हें आजाद करते हैं। चली जा नीरा, गेट आउट माई साइट, गेट आउट, गेट आउट। नीरा, मैं जानता हूं कि कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम ये जानते हो कि नीरा तुमसे माफी मांगने आई है तो तुम्हारा ये विश्वास गलत है। अगर तुम ये जानते हो कि नीरा तुम्हारे झूठे इश्क के जाल में फंसकर अपने मालिक की वफादारी को नीलाम कर देगी तो तुम्हारा ये इरादा गलत है। अगर तुम ये जानते हो कि एक चालाक पुलिस ऑफिसर बनकर तुम विकी को पकड़ लोगे तो तुम्हारा ये ख्वाब गलत है। तुम उसके सामने एक जर्रा भी नहीं, एक कतरा भी नहीं, ना ही उसकी शक्ति में, ना ही उसके बड़प्पन में। तुम झूठे हो, मक्कार हो, चीट, छी। और कुछ कहना है आपने? तुम जैसे धोखेबाज से घटिया बात करना भी जबान को गंदा करना है। गंदा? नीरा, क्या गलत है क्या सही, इस बात का फैसला गलत राह पर चलने वाली एक लड़की कैसे कर सकती है? क्या यह गलत है कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया, उससे मैंने शादी के ख्वाब देखे, वो ही लड़की एक मुजरिम खतरनाक गैंग की मेंबर निकली? क्या यह गलत है कि जिसने मेरे जिगरी दोस्त कश्यप का खून करके उसके बूढ़े मां बाप को बेसहारा कर दिया, वही कातिल की हमदर्द मेरी माशूक निकली? क्या यह गलत है कि मेरे मां बाप दुनिया के सामने सर झुकाएंगे सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा एक पुलिस इंस्पेक्टर है और उनकी बहू एक मुजरिम? नीरा, मैंने तो कानून के नाते तुमसे धोखा किया था, लेकिन तुमने एक औरत के नाते खुद इंसानियत से धोखा किया। धोखा किसी ने किसी से नहीं किया, धोखा तो हमारे भाग्य ने हमसे किया। लेकिन ये कुमार तुम्हारे उस गॉडफादर को कानून के हवाले करके रहेगा। ये बात मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, अपनी मां की कसम। नीरा मर जाएगी लेकिन उसका एक राज भी नहीं बताएगी। ये तुम्हारी मेरी शर्त हुई कुमार, जिस दिन तुम विकी को पकड़ लोगे नीरा अपनी जिंदगी हार जाएगी। तुमने आज तक उसका ठंडा चेहरा देखा है, क्रोध नहीं। हेलो, मैं कुमार बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ओह, तो मैडम का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ? क्यों, विकी को पकड़ लिया आपने? शायद तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा, विकी का कार एक्सीडेंट हो गया, लाश का कहीं पता नहीं चला। He's dead. क्या? डॉक्टर डेविड। ओए नीरा, अरे क्या बात है भाई, बहुत परेशान नजर आ रही हो। वो एक्सीडेंट विकी, वो एक्सीडेंट की खबर ना? अरे कुछ नहीं हुआ उसे, गॉड इज ग्रेट, सारी गाड़ी तहस नहस हो गई, उसे जरा भी चोट नहीं आई। डॉक्टर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ चलूं? लेकिन सॉरी, उसने आजकल किसी से भी मिलने के लिए मना किया। प्लीज प्लीज, मुझे उनसे सिर्फ एक बार मिलवा दीजिए।
खैर तुम तो उसकी खास हमदर्द दोस्त हो और सेक्रेटरी भी। लेट्स टेक ए चांस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। दैट्स फाइन, लेट्स गो। हेलो, कॉन्टैक्ट मीटर कैसे काम कर रहा है? एकदम ठीक चल रहा है। गाड़ी कहां से पहुंची? नॉर्थ साउथ से मिड साउथ की तरफ। सर, डॉक्टर डेविड उन्हें अपने साथ लाए हैं और वो आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हैं। डॉक्टर डेविड ने ये हिम्मत कैसे की? ये हिम्मत मैंने खुद की है विक्की साहब। विक्की के फैसले को तोड़ने का अंजाम जानती हो तुम? हाँ मैं जानती हूँ। जो गुनाह मैंने किया है उसकी सजा मुझे मंजूर है। मुझे आपकी दुनिया से दूर रहना मंजूर है, लेकिन जो सजा आप अपने आप को दे रहे हैं वो मुझे मंजूर नहीं है, नहीं है। इस हमदर्दी की वजह? मुझ पर आपका एहसान और मेरी आपके लिए श्रद्धा। वो श्रद्धा जो तुम दिखा चुकी हो एक पुलिस इंस्पेक्टर से मोहब्बत करके? जी हाँ, ये सच है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मोहब्बत करने वाला एक पुलिस ऑफिसर है ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये मैं किसी की भी कसम खाकर कह सकती हूँ। जो फैसला हम कर चुके हैं उसे दोबारा बहस में लाना नहीं चाहते, लेकिन ये बात सच है कि औरत आदमी के विनाश का कारण होती है। विनाश और मैं जो आपके एहसान के। अविनाश तुम, यू आर द कॉज ऑफ माय डिस्ट्रक्शन। वो देखो, तुम्हारे जज्बात और नादानी एक क़यामत लेकर आए हैं। सर, पुलिस ने हमारा डेंगू चारों तरफ से घेर लिया है और हमें सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी है। बेंजामिन, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। शूट फायर। टेस्ट ऑफ ऑन स्विच। एम्युनिशन डिपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया। सर, सही पैसे तक पुलिस पहुंच गई है। बेंजामिन, हमारा वायरलेस कंट्रोल खत्म हो चुका है। सब ठीक है? एवरीथिंग इज ओके। मगर कुमार कहाँ है? कुमार, तुम यहाँ क्यों आए? ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कुमार। इंस्पेक्टर गौतम, अरेस्ट है। विक्की साहब, अब आपका राजपाट खत्म हो चुका है और राजपाट के हिलते ही बुद्धिमान राजा अपने आप को दुश्मनों के हवाले कर देते हैं। सोचिए मत, अपने आप को मौत के हवाले करने वाले लोगों को बुजदिल कहा जाता है। विक्की की जिद और ताकत से आज तक तुम्हें पहचान नहीं हुई इंस्पेक्टर। विक्की ना आज तक पकड़ा गया है और ना। What's this? सर, ये ना दिखाई देने वाली लेजर बीम्स लगाई हुई हैं। हमारा आगे बढ़ना ठीक नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल? यस यस ओके। हम कुछ नहीं कर सकते, इसका हेलीकॉप्टर बुलेट प्रूफ है। ओके, वेरी गुड सर। कुछ लोगों को वेस्टर्न साइड से भेज दीजिए। On the eastern side. Be after him. Ah, be after him. Out. Hello.
इस बार बहुत देर लगा दी आपने। चारिया जी कहिए दीनानाथ जी, पूरे एक साल के बाद आप आए। अरे भाई आपको तो मालूम है कितने गांव जाना पड़ता है। अरे जिम्मेदार साहब आपने क्यों कष्ट उठाए? आप दुनिया भर के लिए इतने कष्ट उठाते हैं। अरे भाई इस बार गांव में पुलिस का इतना बंदोबस्त क्यों है? आचार्य जी उस जगीरा डाकू ने इन गांव वालों को बहुत तंग कर रखा है। आचार्य जी इस बार तो आप कुछ रोज रुकेंगे ना यहाँ? भाई इस बार तो 4-5 महीने ठहरना ही पड़ेगा। इस गांव की जिम्मेदारी कोई ऐसी ही थोड़ी है, बहुत काम करने हैं। अरे भाई तुम उधर पुलिस से कहाँ उलझ गए, बहुत काम करने हैं। चलो शरदानंद।
जाने क्या सच्चा क्या झूठा, मैं मूर्ख क्या जानू मैंने क्या खोया क्या पाया, क्रोध लोभ माया मैं सच के राम तेरे घर आया, तेरे मंदिर की ज्योति से मन का दीप जलाया, क्रोध लोभ माया मैं सच के अंधेरे में बैठे हो, उजाला अच्छा नहीं लगता क्या? यहां सब कैसा लगा श्रद्धानंद? क्यों मेरा दिया हुआ नाम अच्छा नहीं लगा क्या? घबराओ नहीं, अखबारों में रसालों में मैगजीन्स में तुम्हारा नाम बहुत पड़ा, विक्रमजीत सिंह। सच बात तो यह है कि लोग या कानून भले ही तुमसे नफरत करें, लेकिन हम तो तुम्हारी काबिलियत के तुम्हारे टैलेंट के बहुत बड़े कदरदान हैं। लेकिन तुम्हारे दर्शन तब हुए जब तुमने हमारे सबसे बड़े शिष्य मुक्तानंद को बाथरूम में बंद करके उसका चोला बदल लिया। तो आप जानते हैं मुझे। एक बात कहूं, जब तुम बाथरूम से बाहर आ रहे थे तब हमें क्रोध की बजाय तुम पर प्यार आ रहा था। मैंने सोचा मुक्तानंद तो ज्ञानी आदमी है, वो तो थोड़ी देर कष्ट सह ही सकेगा, लेकिन तुम हो के आप मुझ पर दया कर रहे हैं या मेरी सहायता? ऑफ कोर्स सहायता। थैंक यू मिस्टर आचार्य, क्योंकि विक्की दया और प्यार में विश्वास नहीं रखता। मैं दो चार दिन यहां ठहरूंगा और आपका यह एहसान चुका दिया जाएगा। थैंक यू, हम वो साधु पुजारी नहीं जो दुनिया में रहकर भी दुनिया से भागते हैं, हम तो कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी। मैंने कहा ना आपका यह एहसान। ये लो नए कपड़े, तुम्हारे ही साइज के। हमारे गांव में एक स्कूल मास्टर हैं, बड़े भले आदमी हैं, कल सुबह उनके घर भोजन पर जाना है। ना मुझे ये चोला चाहिए ना किसी के घर का भोजन, मैं यहीं ठीक हूं। विक्रमजीत सिंह के फरार होने की खबर इस गांव की पुलिस को भी मालूम है। नाम रखोगे श्रद्धानंद और तेवर रखोगे विक्रमजीत सिंह के। लो लो आराम करो। अरे गुड्डी तू कितनी बड़ी हो गई, पिछले साल तो छोटी सी थी। लड़कियां बड़ी क्या होती हैं आचार्य जी, माँ बाप की फिक्र बड़ी हो जाती है। आचार्य जी मैंने अपने हाथों से आपके लिए सरसों का साग बनाया है। तो ठीक है, आज हम सिर्फ सरसों का ही साग खाएंगे, चल जल्दी से परोसते हैं। अरे रतिया जल्दी से गुड्डी की मदद करो। प्रणाम आचार्य जी। रतिया रतिया विधवा हो गई आचार्य जी, हर साल की तरह इस साल भी बरसात ने कितने ही लोगों को घर से बेघर कर दिया आचार्य जी। आचार्य जी गांव के बाहर बांध बनाने का काम पूरा हो जाए तो ही यह गांव इस प्रकोप से बच सकता है। आचार्य जी का हुक्म हो तो सारा गांव तन मन धन से इनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखो भाई सब लोग इसे अपनी जिम्मेदारी समझें तभी यह काम पूरा हो सकता है। क्यों ठीक कहा ना मैंने? आचार्य जी इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अरे वो इनका परिचय कराना तो मैं भूल ही गया, यह है श्रद्धानंद, बनारस यूनिवर्सिटी से एमए किया है, ज्ञानी है, और ज्ञानी भी कोई ऐसे वैसे नहीं, हम सबसे बढ़कर महात्मा है जी महात्मा। इनके कदम क्या पड़े इस घर में कि घर खुशियों से भर गया। अब देखिए ना विक्टर जो मेरे बेटे का दोस्त है आज ही सुबह बंबई से खबर लाया कि मेरा बेटा कुमार बंबई में कमाल कर रहा है। आप तो जानते ही हैं कुमार सीबीआई में है, उसने बंबई के सबसे बड़े मुजरिम विक्रमजीत सिंह का अड्डा तहस नहस कर दिया। Ha ha ha!
जिस आदमी ने मुझे दुल्हन की साड़ी पहनाने का वादा किया था, उसी ने तुम्हें धोखा दिया। मीरा, एक पुलिस ऑफिसर के नाते मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं हरगिज शर्मिंदा नहीं हूं, लेकिन इस बात का मुझे फख्र है कि मैंने तुमसे प्यार किया और करता रहूंगा। हां नीरा, मेरे घर में अगर कोई लड़की पत्नी बनकर आएगी तो वो एक ही होगी, तुम। सिटी पुलिस से हर गांव की पुलिस चौकी में यह ऑर्डर आया है कि विक्रम सिंह नाम के खतरनाक मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, समझे शर्मा जी? शर्मा जी नहीं, दरोगा जी। लो, एक और मुसीबत आन पड़ी। अरे पहले ही देसी डाकू जगीरा को पकड़ने में दुबला हो गया, ऊपर से एक और सारी डाकू को पकड़ने का काम थोप दिया। वो मुझे मालूम नहीं, समझे शर्मा जी? शर्मा जी हो या दरोगा जी, जागीरा डाकू को पकड़ने के लिए सिटी पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी। जागीरा डाकू से डरते हो? जागीरा? हाँ, जागीरा बहुत खतरनाक डाकू है। वो उसे कोई नहीं मार सका, कोई नहीं, पर उसे मैं मारूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। तुम जागीरा को मार सकते हो? क्यों? उसने मेरे दोस्त प्रेमू को जान से मार डाला। जान से मार डाला? हाँ, वो दिन वो डाकू लोग प्रेमू को उठा कर ले गए। 2 लाख रुपए लेकर गया था प्रेमू का बाप प्रेमू को छुड़ाने के लिए। उस वक्त मैंने देखा जागीरा को, मैंने। सेठ, पुलिस को खबर तो नहीं की? नहीं भाई बाप, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरा प्रेम मुझे वापस दे दो। कोई नहीं, पुलिस भी नहीं, सरकार भी नहीं। कृष्णा, आप मारोगे ना उसे? बोलो सरदाना जी, आप मारोगे ना उसे? ये बांध अगर पूरा हो जाए आचार्य जी, तो हमारा गांव एक बहुत बड़े प्रकोप से बच जाएगा, और फिर जगीरा डाकू के आने जाने का रास्ता भी तो बंद हो जाएगा। ये काम इतना छोटा नहीं है दीनानाथ जी। विक्टर का कहना है कि अगर काम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा तो कम अज कम 5 साल लग जाएंगे। आचार्य जी, अगर पूरे गांव वाले मिलकर 1 महीना या 20 दिन अपना श्रमदान दें तो बांध का काम बहुत जल्द पूरा हो सकता है। अब की बार तो गांव वाले बहुत जोश में हैं आचार्य जी, और अगर यही जोश रहा तो बांध बहुत जल्दी। मिट्टी में सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे विक्की सेठ, सुना है बंबई के डाकू दूसरे डाकुओं से पहचान ऐसे ही करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आज से 10 बरस पहले आपसे मुलाकात हुई थी बंबई में। दक्षिण भारत में मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह, और यहाँ के पुलिस थाने में जागीरा डाकू के नाम से दर्ज हूँ मैं। काम बोलो। जिस काम से तुम यहाँ आए हो वही काम है मेरा। साफ साफ बोलो और काम बोलो। पत्थरों की मूर्ति राम जी की 20 लाख के हीरे पर तो तुम्हारी नजर पड़ी होगी जरूर। आगे बोलो। पुलिस को दिन रात मेरी तलाश है, और मुझे उस मुकुट की। कितना हिस्सा चाहिए? काम तुम्हारा, नाम हमारा, आधा आधा तो होना चाहिए ना। कितने आदमी हैं तुम्हारे साथ? 500 थे, अब 50 रह गए। 40 कम कर दो। क्यों? ज्यादा आदमी ज्यादा भागीदारी। सिद्धानंद जी बहुत समझदार है आप।
गरीबों के भगवान, 20 लाख रुपए का ताज पहनकर राज कर रहे हो। इस ताज की आपको नहीं, मुझे जरूरत है। आखिर गिर गए ना, चोट नहीं लगेगी तो क्या होगा। मुझे मालूम है शरदानंद के भाई तुम में नया नया जोश है, हर दिया हुआ काम जल्दी करना चाहते हो, लेकिन ये हीरों की धुलाई तो कल सुबह भी हो सकती थी। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मुकुट इसी वक्त ले जाओ। अरे भाई सेवानंद, इनकी मदद करो, मुकुट उठाओ। आप लोग भी अपने अपने कमरों में जाओ। आखिर क्या चाहते हो मुझसे? औरत को अपना मान, भक्त को उसका भगवान, गरीब को उसकी आन और अमीर को उसकी शान बहुत प्यारी होती है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, तुम्हें मंदिर की चाबियां चाहिए ना? ये लो। मिस्टर आचार्य, मुझे परेशान मत करो। विक्टर ह्यूगो के ऐसे बहुत से नाटक मैं देख चुका हूं और पढ़ चुका हूं। आपसे बार बार कह चुका हूं, मुझे आपकी दया की भीख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। विक्की अपनी दुनिया बनाना जानता है और बना के रहेगा। सुबह तक ये चाबियां तुम्हारे साथ हैं, फैसला तुम्हारे हाथ है। तुम फिक्र ना करो विक्रमजीत सिंह, इस चोरी के इल्जाम को मैं अपने सर ले लूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। चल 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 चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। मेवे की टहनी टूट गई चादर बिछाऊंगा, दर्जी बुलवाऊंगा, दर्जी की सुई टूट गई तो घोड़ा दौड़ाऊंगा, घोड़े की टांग टूट गई तो तुमको उठाऊंगा, दिल में बिठाऊंगा। चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। तुमको मनाऊंगी, तुम
पंछी दिखाऊंगा। पंछी डाली से उड़ गए, सीटी बजाऊंगा, सीटी से भी न वो मुड़े तो बंसी बजाऊंगा, बंसी जो गिर के टूट गई तो मैं गीत गाऊंगा, गीतों में तुमको प्यार की बातें सुनाऊंगा, बातें सुनाऊंगा, दिन रात फिर तुमको मैं याद आऊंगा, दिन रात फिर तुमको मैं याद आऊंगा। पकड़े जाने से पहले तो हम भाग जाएंगे, पकड़े जाने से पहले तो हम भाग जाएंगे, चल चमेली बाग में हम मेवा खाएंगे। श्रद्धानंद जी, ये गुड़ी मैं राजा, नहीं नहीं मैं गुड़ी ये राजा, कि हाँ हम लोग ऐसे ही घूमने आए थे। तू क्यों घबरा रहा है? कल बाबू जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। बात यह है कि राजा और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। राजा एक बहुत बड़े जमींदार साहब का बेटा है और मैं एक स्कूल मास्टर की बेटी। लोगों का कहना है कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों जी? मामला कुछ अमीर गरीब का है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारी शादी जरूर होगी। बाबूजी का कहना है कि ज्ञानी महापुरुषों के आशीर्वाद से। चलना पहुंचू। ठीक है ठीक है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो तो हम दो दिल एक हो सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब सब ठीक हो जाएगा। चलना। आओ आओ श्रद्धानंद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कल रात तुम ये चाबियां अपने कमरे में भूल आए थे। मिस्टर आचार्य, जरूरत से ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत करो। अब इसे तुम मेरा ड्रामा समझो या अपना भाग्य, भगवान की क्या इच्छा है किसे मालूम। वैसे भाई मैं तो तुम्हारा फैन हूं। तो फिर गुरु बनने का ख्याल छोड़ दो आचार्य, भाषण से मुझे सख्त नफरत है। तुमसे 10 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। वेद कुरान गीता हर शास्त्र के हर पेज की हर लाइन से वाकिफ हूं मैं। हजारों साल पहले वो आदमी कितना चालाक होगा जिसने ये दो शब्द बनाए, भाग्य और भगवान। भगवान
भगवान शब्द बच्चे को डराने के लिए बनाया, ताकि वो इस खौफ से डर कर उस आदमी के बनाए हुए उसूलों, उस आदमी की मर्जी पर चलता रहे। और भाग्य, भाग्य जब बच्चे को नाकामयाबी मिले वो उसे अपना भाग्य समझ के अपने आप को तसल्ली देता रहे। दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज ऑल फेक। मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ आचार्य। समझते हो कि सब समझता हूँ, इससे बढ़कर इंसान की ना समझी और क्या हो सकती है। I have told you not to teach me anything. I am not trying to teach you. Would you care to see what I want to show you? पढ़ो। भगवान कुछ भी नहीं, एक इंसान है जो महान है। भक्ति कुछ भी नहीं, एक शक्ति है। कर्म कुछ भी नहीं, एक कर्तव्य है। प्रेम कुछ भी नहीं, एक आनंद है। ये आनंद अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम्हें उससे, मुझसे, हर एक से प्रेम करना होगा। 10-12 साल पहले मेरे गुरुदेव यहीं बैठा करते थे मालूम है, और जाने से पहले वो इन पत्थरों पर ये सब कुछ लिख गए थे। इसलिए लिख गए थे ताकि गांव वाले हमेशा याद रखें। मगर इन भोले भाले अनपढ़ गांव वालों ने इन पत्थरों को एक मामूली दीवार समझकर इन पर गोबर सुखाना शुरू कर दिया, और इसकी गहराई, इसका मतलब सब यहीं दबकर रह गया। इसी तरह तुम्हारे प्यार भरे दिल पर क्रोध की एक परत जम गई, उसे मैं निकालकर बाहर फेंक देना चाहता हूं। ये आलू मेथी की सब्जी जरूर खाना, कृष्णा ने बनाई है। जानता हूं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो क्या बुरा कर रहा हूं? इट्स इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। आप क्या चाहते हैं, गांव वालों को मैं धोखा दूं, उनसे झूठ बोलूं? मैं महापुरुष नहीं। कितने कितने खून किए मैंने, कितने खून, ब्लड ब्लड ब्लड, जस्ट ब्लड। दो साल पहले सरकार ने मेरे नाम मौत का ऐलान किया था, इस पर भी चाहते हैं कि मैं? हाँ, मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे गुणों और आत्मा को सिर्फ मैं पहचानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी भयानक तुम्हारी जिंदगी थी उतनी ही सुंदर तुम्हारी मौत भी हो। तुम्हारा जन्म दूसरों का खून करने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए अपना खून बहा देने के लिए हुआ है। ये सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने देखा है एक मसीहा छुपा हुआ तुम्हारे अंदर। मसीहा? मैं? पटा रहा है, अभी पटा रहा है। यात्रा सफल हो आचार्य जी। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। देर आए दुरुस्त आए। बोलो विक्टर। आचार्य जी, डैम का प्लान है। अरे भाई, 2 दिन के बाद तो रोहतपुर से वापस आ रहा हूँ, वापस आकर प्लान देख लूंगा। काम तो तुम सब लोगों ने मिलकर ही करना है। शरदानंद, सब लोग मेरे लिए फूल लाए, तुम नहीं लाए? ये लो, ले लो। ये फूल चंद घड़ी के लिए जीते हैं और सब जगह अपनी खुशबू पहुंचाकर मुरझा जाते हैं। फूलों जैसा जीवन किसी किसी को नसीब होता है। तुम समझदार हो, जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। मैं तो जा ही रहा हूं।
क्या बयान दिया है मुक्तानंद जी? जैसा आचार्य जी का हुक्म था। बहुत अच्छा किया आपने। आचार्य जी ने कहा है रोहितपुर के आश्रम में 6-7 महीने आराम करें। जैसी उनकी आज्ञा। श्रद्धानंद जी, कैसे हो कृष्णा? कैसे दिखता हूं? ये लीजिए। ये किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? आप मेरे दोस्त बनेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप आश्रम छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? ये क्या, संध्या तो हुई नहीं, ये आश्रम की घंटियां क्यों बजने लगी? चलो देखते हैं। क्या बात है दीनानाथ जी, आप सब इस तरह क्यों देख रहे हैं? कोई कसूर हुआ मुझसे? श्रद्धानंद जी, आचार्य जी ने रोहितपुर में अपना शरीर त्याग दिया। आचार्य जी संसार छोड़ने से पहले अपनी अंतिम इच्छा इस चिट्ठी में लिख गए हैं। आज मेरे संसार छोड़ने का समय आ गया है। मेरी अंतिम और हार्दिक इच्छा यही है कि मेरे मरने के बाद आचार्य की गद्दी का स्थान सिर्फ एक ही आदमी को दिया जाए, जिसका नाम है श्रद्धानंद। यू आर अ चीट, यू आर अ बास्टर्ड, तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो, झूठे हो। अगर तुम ये समझो ऐसा करके तुमने मेरे साथ चालाकी की है, होशियारी की है, तो तुम गलत हो, सरासर गलत हो। तुम इस तरह छोड़कर मुझे नहीं जा सकते। तुम अच्छी तरह जानते थे ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता, ये मेरी फितरत नहीं, मेरा रास्ता नहीं, मेरी मंजिल नहीं। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है आचार्य। तुम मुझे प्यार देकर प्यार सिखाना चाहते हो? मैं प्यार नहीं कर सकता आचार्य, मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं प्यार नहीं कर सकता। हे भगवान, तेरा नाम लिया तू मेरे मन में आन समाया, क्रोध लोभ माया मैं सज के राम तेरे घर आया, क्रोध लोभ माया मैं सज के। मैं चाहता हूं कि जितनी भयानक तुम्हारी जिंदगी थी उतनी ही सुंदर तुम्हारी मौत भी हो। तुम्हारा जन्म दूसरों का खून करने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए अपना खून बहा देने के लिए हुआ है। दीनानाथ जी, ये लोग नए आचार्य जी के दर्शन करना चाहते हैं। आचार्य जी कुछ दिनों के लिए समाधि पर बैठे हैं, वो आप लोगों से नहीं मिल सकते। एक डाकू था, खूनी, क्रोधी। एक दिन कानून के डर से वो डाकू भाग निकला। भागते भागते
जंगलों में अकेला भूखा प्यासा किसी साय की तलाश में भटकने लगा। तब उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, आओ मेरे साथ रहो मंदिर में, बड़ा आनंद है वहां। ठाकुर ने कहा कि जानते हो मैं कौन हूं? साधु ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहा, हां भाई मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम एक डाकू हो, लेकिन तुम्हारे में और मेरे में फर्क ही क्या है? तुमने भी संसार त्याग रखा है, मैंने भी। तुम्हारी आंखों में भी वही बात है जो मेरी आंखों में। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बेचैन हो, मैं शांत हूं। तुम कुछ ढूंढ रहे हो, मैं कुछ पा रहा हूं। फर्क सिर्फ अपने आप को पहचानने का है। आइए आज आप सबसे मेरी भी जान पहचान हो जाए। सुशील बहू है हमारी। आओ बेटे, आओ, आओ बेटे। आचार्य जी इस निखट्टो को भी समझाइए कुछ काम धाम किया करे। मिसेस कुमार सानी, मैं पूछ सकता हूं कि कौन सी कहानी सोची जा रही है? कुमार क्या तुम महात्मा लोगों पर विश्वास रखते हो? हमेशा नहीं। हाँ अगर वो सही मानों में टीचर हैं, शिक्षक हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो कमर्शियल हैं और माल कमाने के लिए गरीब अनपढ़ लोगों के नजरों में धूल डालने के लिए गुरु बन बैठे हैं तो गड़बड़। अगर ऐसा ही गुरु किसी को मिल जाए तो उसे फौरन पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए। लेकिन तुम ये बोरिंग सब्जेक्ट लेकर क्यों बैठी हो? हाँ आज बाबूजी के साथ उस गुरुजी से मिली नहीं इसलिए। अजी हटाओ यार, रात हो गई है, कुछ बात करो। और फिर आज तो हमारी पहली रात है। हटो, तुम्हें तो हर रात पहली रात लगती है। हाँ लोकेशन चेंज, सिचुएशन चेंज, शहर बदला, रात बदली। क्या बदली? तुम बदली। कुमार नीरा, कल से तुम्हें यहां बाबूजी के साथ रहना होगा और कल मुझे बंबई जाना होगा। बड़ी याद आएगी तुम्हारी। मुझे वहां जल्दी वापस बुला लेना, मेरा मन। मन तो तुम्हारा मेरे नजदीक है, मेरे करीब है। इतने करीब, इतने करीब। सुन लिया सरदार, आरामी ने गांव वालों पर जादू कर दिया है, आचार्य बन बैठा है उनका। आचार्य। आचार्य मान गया रे विक्रम सिंह तुझको, तेरा दिमाग तो साला तेरी खोपड़ी से भी बड़ा निकला। अरे मूर्ति तो हम भी चुरा सकते थे, उस हराम जादे को काहे दिया हिस्सा? तो खा, क्या बोला रे वो आचार्य तुझसे? कल शाम को गया था उस गांव में, उससे मिला तो बोला मैं जागीरा से खुद मिलूंगा। यानी कि सारा का सारा हिस्सा वो बंदर खा जाए और हम बिल्लियों की तरह। तेरे धोखा, बस यही तो मार खा गया साला। रुक जाओ सरदार, हवा में गोली चलाने से पहले एक नजर वहां भी डाल लो। वो रहा पुलिस का पड़ाव, जिनकी आंखें 24 घंटे हमें ही ढूंढती रहती हैं। कुछ दिन तो यहीं रुकना पड़ेगा। खुद बात करूंगा। उठा क्यों नहीं लाया उस साले हरामजादे को?
आचार्य जी, आपने विक्टर बाबू का दिया हुआ यह प्लान देखा है? हाँ, देखा है, लेकिन इतना बड़ा बांध बांधने के लिए हमें गांव वालों की मदद की जरूरत पड़ेगी। वो तो सब मान गए हैं, हमारे जिम्मेदार साहब भी काफी पैसा लगाने के लिए तैयार है। गुड्डी, क्या हुआ गुड्डी? क्या हुआ गुड्डी को? मैं जानता हूं, जिम्मेदार साहब ने राजा और गुड्डी की शादी नामंजूर कर दी है। इसी दुख में राजा ने शराब पीना शुरू कर दिया है। शराब? जी हाँ, और तो और वो हमेशा फूलवती का कोठे पर ही बैठा रहता है। ये फूलवती कौन है? जी वो हैदराबाद से आई हुई एक गाने वाली वेश्या है। अरे ओ फूलवती की जनी, देखती नहीं गली में कुछ शरीफ आदमी भी खड़े? अरे तो ऐसी जगह खड़ा काय को होता रे, जहाँ पे पान की पिक थूकते हैं। अरे पान की पिक तो तू खुद है हरामजादी। क्या बोला रे? हराम के पान की पिक होगी तेरी अम्मा, तेरी बहन। अगर माँ बहन का नाम लिया तो काट के फेंक दूंगा। क्या क्या, हाथ को फेंकता तेरी तो? जरा मैं भी देखती हूँ ये गले में कौन सा हराम का खसाया आया। बोल, दम है तो बोलना। देख फूलवती, समझा देता हूँ, मेरे मुंह मत लगना। अबे यार चिकनट, जिंदगी में कभी प्याज भी कटा रहे तू, जो ये फूलवती को काटेगा? हाथ तो लगा। अरे हाथ ही तो नहीं लगाने देती तू, यही तो मुश्किल है। अरे चल चल फूट इधर से। बड़े मियाँ चलिए हम आपको घर तक छोड़ देते हैं, आपकी बेगम साहिबा इंतजार कर रही हूँ। जा घर को जाको, मालिश करा अपने जोरू से, थोड़े बालों तो भी आएंगे। हराम साला। फूलवती, गुस्से में जो तेरा रंग निखरता है। अरे रंग तो देख लिया चमचम, अब ढंग भी देखता क्या? फूलवती, चमचम टांगे वाले पर गुस्सा मत किया कर, मेरा दिल बहुत कमजोर है। अरे हम तो तेरे दीवाने हैं फूलवती। अरे देखना फिर, सुबह सुबह आके दिमाग खराब कर दिया साले ने। अरे फूलवती, तू तो गाते ही अच्छी लगती है। अरे गाँव वाले ना सही, हम तो तेरे कदरदान है। अरे क्या कदरदान, काय का खानदान, सोच चले उगल दाना उगल दा। एक रुपया में गाना सुनते समझते क्या, फूलवती का खरीद लिया? अरे फूलवती, जरा हमें भी तो बता, किस घराने की है तू? तेरे बाप के घराने की हूँ, समझा? आया था तेरे बाप भी जुमे रात को गाना सुनने। ए गुलाब, समझा दे इसको। मेरा कभी बात किया कर, एक ही तो है बेचारी साफ दिल वाली, फूलवती कौन से वाली। यही है वो जिसने हमारे गांव को 2 महीने तक गंदा कर रखा है। हाँ चौधरी जी, ये शांति प्रिय और धार्मिक गांव को एक गंदा नाला बनाने की कोशिश कर रही है। चौधरी जी, इसे तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फूलवती, सभी गांव वालों का ये कहना है कि जब से तुम इस गांव में आई हो, सारे गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है। चौधरी होने के नाते मेरी तुमसे ये प्रार्थना है कि इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव चली जाओ। चौधरी जी, ये हरामियां तो सच बोल रहे हैं, पर कि तेरे फैसले को अमेरिका के अखबारों में छापना पड़ेगा। सुना गुलाब, इस गांव का माहौल तो खराब हो ही चुका है, अब इसको छोड़ के मैं दूसरे गांव को जाऊं, ताकि 2 महीने में वहां का माहौल भी खराब कर दूं। हमारे देश में देख फूलवती, ये शरीफों की बस्ती है। तू किसको शरीफ बोलता रहे परमानंद, चल तो अपनी बात बता। पूर्णिमा की रात को दारू पी को मेरे कोठे पे कौन आया था रे, बता। अरे अभी तक तेरा उधार बाकी है। क्या बकती हो फूलवती? सच्ची बात को बखनाइज बोलते हैं चौधरी जी। अरे किस हरामजादे में इतनी हिम्मत है जो मेरे को इस गांव से निकाल सके? ये सफेद पोशा मेरी शिकायत लेको आया ना? हाँ। अरे ये शरीफजादे नहीं, हरामजादे हैं हरामजादे। रात के अंधेरे में ये फूलवती का कोठा इनको ताजमहल दिखता है, और सुबह होते ये साले उसे मकबरा बनाने का सोचते हैं। एक एक का नाम गिनो, कौन शरीफ ज्यादा है कौन हराम ज्यादा है। हाँ हाँ बताओ फूलवती, हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अरे इस गरीब का गाना सिर्फ 1 रुपया में बिकता है चौधरी जी, दारू भी मिलती है, और फिर दारू के बाद जो सच्चाई मिलती है उसका पता सिर्फ फूलवती को है, तुम्हारे का पता नहीं चल सकता। सच सच बताओ, इनमें से कौन कौन तुम्हारे पास आता है? बताती क्यों नहीं फूलवती, आज फैसला हो ही जाए। कह दो, कह दो, बता दो, बता दो, सुना दो, सुना दो। फूलवती का गजराना पहना हो ऐसा
फूलवती हाय हाय। फूलवती का गजराना पहना हो ऐसा तो कोई शहर में नहीं, कभी न कभी कहीं न कहीं चोरी से जिसने फूलवती का गजराना देखा हो ऐसा तो कोई नगर में नहीं। फूलवती हाय हाय फूलवती हाय हाय। चल एक रुपया निकाल। हे भगवान ये कैसा जमाना आ गया है। हाय हाय फूलवती हाय हाय फूलवती हाय हाय फूलवती हाय हाय फूलवती। ये कौन आया रे? अरे फूलवती यही तो है आश्रम के आचार्य जी। ओ और ये तो इधर ही चले आ रहे हैं। अरे आने दो ना खा जाएंगे क्या। अरे तुम ना डरते काहे को? आचार्य का आश्रम नहीं फूलवती का कोठा है। इसे ना कोठा चाहिए और ना आश्रम, इसे घर चाहिए, अपना घर। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं कहता हूं हट जाओ। ये राजा की पहली बगावत है और अगर कहीं ये बगावत बढ़कर हद से पार हो गई ये प्यार करने वाला दिल क्रोधी बन बैठेगा
और तब आपके खानदान की बरसों से बनी हुई इज्जत, इस खानदान का इतिहास पल भर में जलकर राख हो जाएगा। ये मेरा भाषण नहीं, तजुर्बा है। आचार्य जी, मैं समझ गया। तो गुड्डी और राजा की शादी होगी? जरूर होगी। गए साल हमारे हैदराबाद के वो क्या, अरे वो क्या कहते हैं रे, वो जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े बच्चे बड़े स्कूल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉलेज के मास्टर को, वो मास्टर प्रो 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 प्रोफेसर, उसको हराई थी मैं बाटा में। प्रोफेसर को हराया था? वो कैसे? बोल। तूने आया, बैठा, पैसा दिया, दिलीप कुमार की आवाज में बोला, फूलवती मैं तुम्हारा गाना सुनने नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की किताब पढ़ने आया हूं। मैं बोली, मास्टर जी आप अपने विद्यार्थियों को साथ में नहीं लाए? उन्हें बोला उनके लिए अच्छा नहीं। फिर क्या हुआ? फिर उन्हें दारू की बोतल खोला और फिर ड्रामा चालू। ड्रामा? अरे चला फिर देवदास और चंद्रमुखी का नाटक। बोला, फूलवती मैं तुम्हारी जिंदगी पर किताब लिखना चाहता हूँ। अरे चमचम तेरे कदम मालूम है, मैं यहाँ में ड्रामेबाज हूँ। मैं भी अपनी कहानी ऐसा बनाकर सुनाई कि बस हिट फिल्म बन गई। फिर उन्हें मैं बोलती गई, उन्हें पीता गया। फिर मैं बोलती गई, उन्हें पीता गया। फिर? अरे पीता गया रोता गया। अरे बापरे, मैं तो बहुत हैबट खा गई। फिर उन्हें बोला, फूलवती हमारा समाज किधर जा रहा है? और बोलते बोलते उन्हें अपना सर मेरे गोद में रख दिया। हाँ, और फिर मैं बोली, अरे हौले इधर किधर जा रहा है? और फिर बोला, फूलवती मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। उसका सर मेरे गोद में और सामने का दरवाजा ढंग खुला। क्या देखी, उसकी जोरू अपने चारों पुट्टों को लेके खड़ी है। फिर? अरे बस फिर गया मास्टर जी का सर, हाँ? जोरू का जूता। हाँ? फिर तूने तो आज कमाल कर दिया। अरे ये देखो पंडित जी आए हैं। अबे हौले, मैं क्या देवी प्रकट हुई हूँ जो चढ़ावा गिरावा जमा करेगा? हवा आने दे। अरे फूलवती, तुम्हें पंडित जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अबे जबरे पाखंडी है साला। अरे तुम लोगा नहीं, गधे हैं गधे, जिधर को हांक दिया उधर हांक दिया। तुम्हारा मतलब ये है कि आश्रम के आचार्य जी भी पाखंडी है? पकड़ा, पाखंडी महापाखंडी। मेरी बात को याद रखना, साला एक दिन भाग जाएगा पैसे वाली पट्टी को लेकर। क्या बकती है फूलवती? अरे बड़े पापड़ा मेली है रे फूलवती, बोल क्या शर्त लगाता है? अगर ये फूलवती अपने चक्कर में उस आचार्य को फंसा ली तो? अगर तू ऐसा कर दे तो हम तुझे एक नया मकान बनवा देंगे। तो अपना मकान पक्का समझ। अरे ओ छमिया, लगा अपना फार्मूला 44। चली है फूलवती आज के अपने विश्वामित्र से भेंट करने, मिलिया मेट करने। सभी लोग विक्टर बाबू के यहाँ बैठे हैं आचार्य जी, मैं भी छाता लेकर आता हूँ। बारिश तेज होती जा रही है, जल्दी लेकर जी। अच्छा। क्या हुआ? अरे रुको रे,
क्या बात क्या है? अरे मर गई रे फूलवती। क्या क्या बात है? कहाँ दर्द हो रही है? अरे इधर दर्द। किधर? इधर नहीं रे इधर। कहाँ? इधर नहीं रे इधर दर्द। कहाँ हो रही है दर्द? अरे सभी जगह दर्द हो रहे हैं। मुझे बताओ फूलवती कहाँ दर्द हो रही है? बताती हूँ सब बताती हूँ। तुम्हें सुनो ना फूलवती। अरे तुम्हें कैसे मर्दा है जी जो औरत के दर्दों को नहीं जानते? सो फूलवती मैं समझ गया तुम्हारा नाटक। अरे दर्द क्या है ये भी समझ गया। मैं तुम्हारे संग शादी कर चुकी हूँ ख्वाबों में ख्यालों में। अब तो मैं सच्ची मुझे तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। दुनिया को भूल जाओ प्राणनाथ, मेरे संगत मेरे घर को चलो ना। फूलवती मैं तुम्हारे घर आऊंगा जरूर आऊंगा लेकिन दुनिया वालों के सामने। नको जी नको, मैं अभी इसी वक्त इसी जगह तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। ठीक है ऐसा ही करते हैं लेकिन छुप कर प्रेम करना पाप है। मैं आज ही इसी वक्त तुमसे शादी करूंगी लेकिन दुनिया वालों के सामने। दुनिया वालों के लिए ये दरवाजे ये खिड़कियां खोल दो, इन सबको देखने दो तुम्हारे और मेरे बीच क्या चल रहा है। आइए चौधरी साहब आइए आप सब लोग आइए, घबराइए नहीं आइए। अब कहो इन सब के सामने कहो कि तुम मुझे अपना बनाना चाहती हो। लेकिन आचार्य जी ये वैश्या है। झूठ बोलते हैं आप, ये वैश्या नहीं है। वैश्या तो वो होती है जो दूसरों का घर उजाड़ना चाहती है। ये तो मेरा घर बसाना चाहती है। ये वो शमा है जो हर किसी के लिए जलती है, उन्हें रोशनी देती है और जब लोगों को नींद आने लगती है वो फूंक मारकर उसे बुझा देते हैं। ये वैश्या नहीं है, एक औरत है, बेसहारा औरत जिसका सहारा बनने के लिए मर्द के पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए और ऐसा मर्द इसे कभी नहीं मिला, कभी नहीं। फूलवती शर्त लगाकर जीतती नहीं हार जाती है चौधरी साहब। कृष्णा आधा बजा लेता हूँ आचार्य जी। यहाँ क्या कर रहा है? मैं एक नए किस्म का त्रिशूल बना रहा हूँ। त्रिशूल? इसलिए? जागीरदार राक्षस को मारने के लिए। कौन मारेगा? मैं। एक साल से हमारी दुकान में हर इतवार को ये आता है आचार्य जी, खुद ही नए नए डिजाइन बनाता है। कभी कहता ऐसे बनाओ, कभी कहता ऐसे बनाओ। एक तरफ ओम लिखता है, दूसरी तरफ अल्लाह। मालूम नहीं क्या चाहिए इस नन्ही सी जान को। नहीं बेटे, बच्चों के हाथ में औजार नहीं किताब अच्छी लगती है। लेकिन मैं जागीरा को अपने हाथों से मारूंगा। जरूर, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना और तुम जवान हो जाओगे तब मैं कहूंगा कृष्णा मुझे तुम्हारे इन मजबूत हाथों की जरूरत है जागीरा को मारने के लिए। चलो आशीष। आचार्य जी आओ विक्टर। आचार्य जी बांध बनाते वक्त ये डाकू लोग हमें बहुत परेशान करेंगे क्योंकि बांध बन जाने के बाद इनके आने जाने का रास्ता एकदम बंद हो जाएगा। फिर तो परेशान इन डाकुओं को होना चाहिए, हमें नहीं। और फिर हमारे साथ तुम्हारे जैसा बहादुर और होनहार इंजीनियर हो फिर हमें किस बात का डर। सरदार गांव के इंजीनियर ने आज से ही बांध पर मिट्टी गिरवानी शुरू कर दी। आचार्य जी गांव वालों ने बांध बनाने के लिए सीतापुर जाने से इनकार कर दिया है। शंभू काका अगर आचार्य जी आए तो उनसे कह देना कि हम बांध बनाने नहीं जाएंगे। मैं क्यों कहूं, तुम्हें कह देना। इस तरह हम बांध बनाने नहीं गांव जलाने जा रहे हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूं चौधरी जी, क्या बात है दीनानाथ जी? आचार्य जी आज के जाने का प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए तो अच्छा है क्योंकि के लिए जिन लोगों के लिए इसने अपने जीवन का बलिदान दिया है
उसी काम के लिए वो लोग पीछे हट गए। विक्टर, तुम्हारा ख्वाब पूरा होगा। सीतापुर मैं जाऊंगा अकेला। अकेले जाने की जिद मत कीजिए आचार्य जी। जगीरा कहां छुपा हो किसे मालूम। आता है ओ, 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 ओ।
सोए नहीं अभी तक। चाहे जाकर आराम कीजिए, कल सुबह फिर काम पर जाना है। भाभी की चिट्ठी है। हाँ। लकी मैन, 17 तारीख को मेरी बहन गुड्डी की शादी है। 17 यानी कि परसों। हाँ। मेरा ख्याल है इस हफ्ते कमिश्नर साहब किसी को छुट्टी नहीं देंगे। कोशिश करूंगा, जाना तो पड़ेगा। फूलवती, फूलवती, क्या यह सच है कि तुम अपना धंधा और ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हो? मेरे को मालूम है गोपी, मेरी वजह से तुम्हारे को इस गांव के लोग गंदी नाली का कीड़ा समझते थे ना, बनके अब नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ। आचार्य जी की कसम, इस फूलवती का दिल जो जो दुखाए ना, उन सब की गलतियों को और मजबूरियों को ये फूलवती माफ करती है। चलो चमचम। अरे हौले, मैं तेरे को जल्दी चल बोले तो तू उतार के देवदास काय को बन रहा रे हैं? मैं क्या करूं फूलवती, मेरी टमटम को मालूम है कि जब मैं देवदास बन जाता हूं तो ये ताड़ी की दुकान पे अपने आप रुक जाती है। क्या तो ताड़ी पेगा? मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो फूलवती, बस एक गिलास ताड़ी पीकर मैं अभी आया। देख मैं तेरे को बोल दे रही हूँ। दिल मत दुखा, दिल मत दुखा, बस एक गिलास ताड़ी का सवाल है, तुम्हें भगवान की कसम। अच्छा जा जा मर, ताड़ी जल्दी से जाना, कभी नहीं सुधरेंगे। ये गोली हवा में ही नहीं सीने पर भी चला करती है। नहीं नहीं, मसीहा के शिष्य, तुम ये बताओगे कि मंदिर की चाबियां कहाँ रहती हैं? नहीं। और गांव के बाहर खड़ी पुलिस से तुम हमारा परिचय कराओगे कि हम कलमपुर के आश्रम के आचार्य हैं और आज रात को तुम्हारे ही आश्रम में विश्राम करेंगे? नहीं, आचार्य जी की कसम, मैं आचार्य जी के साथ धोखा नहीं कर सकता। तो फिर यह बंदूक भी तुम्हें धोखा नहीं देगी। आज रात
तुम्हारा आचार्य रहेगा या जागीरा, सारा गांव जला दिया जाएगा। पोखरा बोलो, राम राम बोलो, बोलो राम राम बोलो, बोलो राम राम बोलो। अरे ओ हरामियों, 25-25 मिल को एक बेचारे पुट्टे को मार रहे, माटी पड़े तुम्हारे को, गैरत हो जाओ। था किस माँ से पैदा हुआ रे तुम लोग, हैं? इतने नारी, आपका परिचय? मेरा परिचय पूछ रहा रे तू? सुन, दो नाम है रे मेरे, पिछले जन्म में मैं पुतली बाई थी और इस जन्म में फूलवती, समझा कि नहीं? और तुम सबका परिचय मैं अभी जो को पुलिस में बताती हूँ, एक एक बताती हूँ। पकड़ो साली पुलिस की इस बच्ची को, तुमने तो मरवा दिया फूलवती। गांव वालों की जिंदगी का सवाल है। आचार्य जी, आचार्य जी, क्या बात है किचना? वो फूलवती बाहर खून। देखो फूलवती, आचार्य जी आए। आचार्य जी, वो डाकू लोग इस गांव पर, वो डाकू लोग इस गांव पर हमला करने आ रहे हैं। आओ फूलवती पास में। नहीं, आपको देख लिया बस। आचार्य जी, वो डाकू लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। नहीं आचार्य जी, नहीं, वो आ रहा है। हमारे पास तो गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। चलो आचार्य जी, आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। आचार्य जी, आचार्य जी रुक जाइए। कृष्णा, नहीं मैं भी आऊंगा। कृष्णा वापस जाओ, आप मुझे छोड़कर नहीं जाइए। मैं कहता हूँ वापस चले जाओ। कृष्णा, मुझे टांगा चलाना आता है आचार्य जी। जिद मत करो कृष्णा, वापस चले जाओ, मैं कहता हूँ वापस जाओ। तो तूने सचमुच कृष्ण बनकर दिखा दिया।
कृष्णा। मैं चलता हूँ दोस्त। था मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तूने सब खत्म कर दिया। सब पोखरा से मारना नहीं, इसे तभी जिंदा रखना है। इसे अभी घसीटना। दिन और रुक जाते तो अच्छा था बेटा। नहीं बाबूजी, सरकारी मामला है, कल सुबह जाना तो पड़ेगा ही। तो नीरा को भी साथ ले जाओगे? जी। अरे भाई, वो आचार्य जी कौन से वार्ड में हैं? वो उस बागीचे में बैठे हैं। चलो राजा। आचार्य जी। जी? राजा? आचार्य जी। अरे तुम दोनों आज यहाँ कैसे हा? आचार्य जी, सुना आपने डाकुओं को? कुटी। आचार्य जी, कैसी तबीयत है आपकी? देखो, एकदम हट्टा कट्टा लग रहा हूँ। तुम दोनों दुल्हा दुल्हन के रूप में बहुत प्यारे लग रहे हैं। आचार्य जी, ये सब आप ही के आशीर्वाद का प्रताप है। एक और आशीर्वाद मांग रहे हैं। कहो बेटे। मेरी और राजा की जोड़ी बनी रहे, मेरा सुहाग। जोड़ी भगवान करे तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे, ये मेरी आत्मा से आशीर्वाद है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। हम तब तक आपके चरणों से नहीं हटेंगे जब तक आप हमारे सर पर हाथ नहीं रखते। राजा, राजा जिनके हाथ न हो वो आत्मा से आशीर्वाद देते हैं। Thank you.
लोग रो रहे हैं? क्यों? मेरे हाथों ने कोई पाप किए होंगे जिसकी सजा इन्हें मिल गई, और फिर आप सब हजारों हाथ मेरे साथ हैं। ये दो हाथ नहीं रहे तो क्या हुआ? चाहिए, अभी गांव के लिए हमें बहुत कुछ करना है। किसकी तस्वीर बना रही हो दीदी? है एक महापुरुष, वही आचार्य जी जिसके बारे में गुड्डी ने अपनी चिट्ठी में लिखा था। हाँ वही, गुड्डी ने मुझे ये तस्वीर बनाने की जिद की है क्योंकि वो इसे अपने घर में लगाना चाहती है। What a great man. Yes, he is a great man. Who is a great man? Me? आप तो सीधे ऑफिस से पार्टी में जाने वाले थे। अरे भाई सोचा तो था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वहां हर आदमी अपनी अपनी बीवी के साथ आएगा और मैं अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं जाऊं। अरे परेशान हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो है, क्या है तुम्हारे पीछे? यूं ही एक तस्वीर बना रही थी। किसकी? गुड्डी ने लिखा था कि आचार्य जी की तस्वीर चाहिए, तो बस। तो इसमें घबराने की क्या बात? मैं घबराने ही नहीं हूँ। आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। मुझे दिखाओ कैसी है पेंटिंग। नहीं कुमार, मुझे गलत मत समझो। मेरा शक तुम पैदा कर रही हो, मैं नहीं। पढ़ो, मुझे देखने दो। नहीं नहीं जिद मत करो प्लीज। नीरा हट जाओ। नहीं पूरी तस्वीर बन जाए तब देख लेना। तो नीरा हटो, मुझे देखने दो। नहीं कुमार प्लीज हट जाओ। आचार्य विकी, विकी कसम देश में लड़ाई छिड़ गई। अरे फौजी आ गई, अरे फौजी आ गई, अरे फौजी आ गई, अरे देश में लड़ाई छिड़ गई, छिड़ गई। भैया एक बात तो बताओ, ये कौन से देश में लड़ाई छिड़ाई है जो आप हमारे इस गांव में घुस आए हो? हमारा गांव तो बड़ा शांति प्रिय है। हम हिंदुस्तान के नामी मुजरिम विक्रम सिंह को पकड़ने आए। मगर वो यहाँ कैसे आए? अरे वही जो तुम्हारे गांव में आचार्य बन बैठा है। ये बात यहाँ कही है, गांव में जाके नहीं कहना, समझे क्या? क्या? ये जरूर किसी की साजिश है। थी थी थी, कितनी शर्म की बात है। सुना तुमने आचार्य जी? विक्रमजीत या विकी, ये झूठ है। आचार्य जी की ये बेइज्जती हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो मीरा। आचार्य जी, मेरे मेरे पति को पता चल गया है कि मैं ही विक्रमजीत सिंह हूँ। वो गांव तक आप पहुंचे हैं, वो आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। आप भाग जाइए आचार्य जी। भाग जाऊं? भाग कर तो यहां आया हूं, अब कहां जाऊं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कुमार, हमारे गांव के आदमी होकर तुम हमारे गांव पर कीचड़ उछाल रहे हो, हमारे आचार्य पर। देखिए मैं आप लोगों को कितनी बार समझा चुका हूं, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है आज वो आपका आचार्य जरूर है, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत बड़ा पाखंड किया गया है। सुन लिया मास्टर जी, जिस आदमी ने हमारे गांव के लिए क्या क्या नहीं किया वो एक पाखंडी है, यह आपका बेटा कह रहा है। माँ बाप अपने बेटे की पुलिस ऑफिसर बनने पर नाज करते हैं और मुझे शर्म आ रही है। कुमार, वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, तुम्हारी बहन गुड्डी और तुम्हारी बीवी सबके गुरु हैं। ओफो बाबूजी, आप नहीं समझते बाबूजी, वो आप सब कुछ धोखा दे रहा है। कानून उसे कितने सालों से ढूंढ रहा है, उसके नाम सजाए मौत का ऐलान बहुत पहले हो चुका है। बहुत हो चुका मास्टर जी, अगर पुलिस वालों ने आचार्य जी को हाथ लगाने की कोशिश की तो हम अपना खून बहा देंगे, आपको हमारी लाशों में से गुजरना होगा। आगे बढ़ो।
क्या ये बताना चाहते हैं कि आपके आचार्य ने ये सब आपको सिखाया है? आचार्य जी, आप नहीं जानते कि ये लोग आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। मैं सब जानता हूं, पुलिस जो कह रही है सच कह रही है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत प्यार दिया है तुम सबने मुझे। एक बार रोज ने मुझे विक्की बना दिया था, लेकिन आज तुम सबके प्यार ने, तुम सबके विश्वास ने मुझे आचार्य बना दिया है। आयु कुमार साहब, अपना कर्म कीजिए, मैं ही विक्की हूं। ये सब झूठ है, हम अपना खून बहा देंगे लेकिन ये इल्जाम नहीं लगने देंगे। आचार्य जी, जागीरा मंदिर में है, वहां नीरा भी है। जज्बात ने इन्हें पागल कर दिया है, इस वक्त इन्हें सिर्फ मैं रोक सकता हूं, लेकिन आप फौरन आश्रम के मंदिर में चले जाइए। आपकी पत्नी नीरा वहां है, वो कमीना डाकू जागीरा भी मंदिर में है। नीरा मंदिर? आप फौरन चले जाइए, मैं इन लोगों को रोकता हूं, प्लीज जाइए। वेट अ मिनट। आचार्य जी, कितने कमीने और मक्कार हैं आप। एक बेवकूफ और बेसहारा औरत को आप एक डाकू के चुंगल में छोड़कर चले आए, सिर्फ इसलिए कि आप यहां आकर इन लोगों के बीच अपनी जाती हुई इज्जत और नाम बचा सकें। आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोच लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मैं इन लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। मैं कहीं भाग कर नहीं जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब, मेरा आपसे वादा है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूंगी, मेरी जान ले लो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। भैया, नीरा देखो ना भाभी को क्या हो गया। नीरा, लाश को मेरी जेब में डाल दो, क्विक। हुई, ये जागीरा की पुलिस है। डाकू लोग मुकुट की मांग कर रहे हैं आचार्य जी, वो कहते हैं उन्हें आपसे मिलना है, नहीं तो वो गुड्डी कुमार और नीरा भाभी को खत्म कर देंगे। आचार्य जी, मेरे बच्चों का क्या होगा? आचार्य जी, कृष्णा यहाँ क्या कर रहा है? मैं एक नए किस्म का त्रिशूल बना रहा हूँ जागीरा राक्षस को मारने के लिए। कौन मारेगा? मैं। याद रखो जागीरा, तुम अगर 50 हो तो हम 500 हैं। और अकेला जागीरा तुम्हारे 5000 के बराबर। कमिश्नर साहब, आपको इन तीनों की जिंदगी चाहिए और जागीरा को
हीरों से जड़ा हुआ मुकुट और हाथ से कटा हुआ आचार। मैं आ रहा हूं जागीरा। समझ रही आप लोग? इस वक्त आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, ये मेरी आज्ञा है। आप सबको मेरी कसम, आपके आचार्य के हाथ जरूर कटे हैं, उसकी शक्ति नहीं। कमिश्नर साहब, मैं और आपका मुजरिम, हम दोनों उस रेल की पटरी के पास मिलेंगे। आचार्य जी मुकुट अपने गले में लटकाकर आप पधारेंगे। मैं मुकुट लेकर जाऊंगा। ए पोखरा, इस राम की शक्ति तो इसके हाथों में है ना? जरा परसों इसके हाथ की रेखाएं, हाथ देख तो इसमें हमारा जागीरा का नाम लिखा है कि नहीं? लिखा है। क्यों आचार्य जी, पढ़ ली रेखाएं? भाग्य की रेखाएं हाथों में नहीं होती जागीरा, इंसान के कर्मों में होती है। फिर भाषण, राम देता है भाषण और लात देता है रावण। जागीरा, ना मैं राम हूं और ना तू रावण है। रावण में तो थोड़ी बहुत बुद्धि थी, लेकिन तुझ में तो वो भी नहीं। आज तूने हीरों के लालच में अपनी मौत बलवाई है लोहे के पाटों में। नीचे देख। कृष्णा के हाथ है जागीरा। जितनी भयानक तुम्हारी जिंदगी थी उतनी ही सुंदर तुम्हारी मौत भी हो।
मुजरिमों के इतिहास में इस मुजरिम की भी एक कहानी लिखी जाएगी, जिसका नाम होगा क्रोधी।